बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो का जो कंटेंट है वेरी इम्पॉर्टेंट है और ये जनरल मैथ का बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें मुख्तलिफ फिगर्स दी होती हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें काउंट करने के लिए कहा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसकी हेडिंग मैंने लिखी आपके सामने, बेस्ट ट्रिक्स फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस आएंगे जिसमें आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो बतानी होती हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं आपके सामने इसके शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करता हूँ, जिससे ये बड़ा आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट जो मैंने फोर फिगर्स बनाई आपके सामने, तो ये तो सिंपल एक ट्राइंगल है, सही है, वन, ओके। अब यहाँ पर आप देखें तो अगर आप इसको काउंट करें तो एक ये ट्राइंगल है और उसके बाद एक ये ट्राइंगल है और एक ओवरऑल बड़ी ट्राइंगल भी है। तो इस तरह से टोटल जो है वो थ्री ट्राइंगल बन रही हैं। अब ये तो कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से एक, दो, तीन, चार, फिर दो को मिलाएं, फिर तीन को मिलाएं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये वाली जो डायग्राम है वो इससे भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब आप देखें तो इसका जो मेथड है वो है जी वन टू, तो वन प्लस टू, इसकी जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी वो थ्री बनेगी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से आप वन टू थ्री फोर लिखें और इनको ऐड कर लें, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, सेवन प्लस थ्री, टेन, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10 बन जाएंगी। इसी तरह बेटा यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसको आप ऐड करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो कितना बनेगा ये 3 प्लस 7 10, 10 और 6 16, 16 प्लस 5 21। अब इस तरह से ये बड़ी डायग्राम भी बनी हो, यहाँ पे तो इसके जो पार्ट्स हैं वो 6 तक आ रहे हैं, 10 तक हो सकते हैं, 20 तक पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, तो ये इक्वल होता है n(n+1)/2। तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेशन जो है वो मजीद आसान कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तक है, तो आप n की जगह पे 6 पुट कर दो, 6 × 6+1/2, 2 3s are 6, तो 3 7s are 21। तो इस तरह से सम ऑफ नेचुरल नंबर से आप कैलकुलेशन जो है वो मजीद आसान बना सकते हैं, क्लियर है। तो कितना आसान तरीके से हमने जो है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब मुख्तलिफ केसेज हैं, जिस तरह से ये देखें आपके सामने बना हुआ है ये डायग्राम, एक बड़ी ट्राइंगल है और उसके अंदर सब पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स के बाद अंदर जो है ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस तरह से ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ओके। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ओके, और यहाँ पे आप लिखे 1, 2 और यहाँ पे भी लिख लें 1, 2। पहले तो आप 1 से लेकर 7 तक जो ट्राइंगल बन रही हैं उनको कैलकुलेट करें, तो n(n+1)/2 वाला फार्मूला लगा दें, n की जगह पे 7 लिखा, 7 × 7+1/2, इसको कैलकुलेट करें तो 8/2, 4, 4 7s are 28, ऐसे ही है, 2 4s are 8, 4 7s are 28। उसमें 28 में आपने ये 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 2 3 ये भी ऐड कर देना है, ओके। तो इस तरह से टोटल जो ट्राइंगल बनेंगे 28 प्लस 6 34 ट्राइंगल्स बनेगी, क्लियर है बेटा। अब आप इसको कैलकुलेट करें जरा, इसका आंसर देखें कितना आएगा। जी बेटा इसको देखें, मैं जरा थोड़ा वीडियो को देखने गया था, तो अब देखें बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 इसके पार्ट्स हैं, ओके, और ऊपर है 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 3 बेटा। अब आप ना जो 10 है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 10 तक,
इसको ऐड करने का क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन ओवर टू, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55। ओके, अभी ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट नहीं हुई, अब आपने 55 में क्या ऐड करना है, 55 में प्लस करना है 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 6, इनको ऐड कर लें। 55 प्लस 6 कितना हुआ, 61, 61 प्लस 6 कितना हुआ, 67, तो इसकी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी 67, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ रही हैं 34। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इन क्वेश्चंस की। आगे चलते हैं, बड़े ज़बरदस्त ये ट्रिक्स हैं, बड़े ज़बरदस्त ये क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह से आपके पास डायग्राम बनी हो तो आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है, तो आप सिंपल इसके जो है ना पार्ट्स बना लें, जैसे 1 2 1 2 एंड 1 2, इनको ऐड करें 3 3 3, अब इन सबको ऐड कर लें 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसके जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी वो 9 बनेगी बेटा। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 ऐड कर लें 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये बन जाएगी 12 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कितना आसान ये मेथड है। ओके, अब आ जाते हैं जी इस तरह से कि अगर स्क्वायर के अंदर इस तरह से डायग्राम बनी हो, उसके पार्ट्स किए हों, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि आप 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग दें, और जो लास्ट नंबर हो ठीक है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो इसकी जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी वो 8 बनेगी। ओके, इसी तरह से यहां पर देखें, इसको भी नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो लास्ट नंबर है 8 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसके भी जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं टोटल वो 16 बनेगी। समझ आ रही है आप लोगों को। अब अगर ऐसी डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है तो इसके भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके भी देखें पार्ट्स आप बनाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाहर वाले जो पार्ट्स हैं उनको नंबरिंग दे दो, और इसी तरह जो अंदर वाले पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उनकी नंबरिंग कर लो। अब यहाँ पर देखें तो जो लास्ट नंबर है वो 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, और यहाँ पर जो अंदर स्क्वेयर है उसके अंदर जो ट्राइंगल बन रही है और नंबरिंग जो हमने दी है वो भी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, तो इस तरह से टोटल इनको ऐड कर लें 16 प्लस 16 32, तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल बेटा इसमें बनेगी वो 32 बनेगी। क्लियर है बात। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इसका जो मतलब इस तरह की कोई टाइप आ सकती है कि ट्राइंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ड्रा हुई हो और नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछें वो, तो इसमें सिर्फ आपने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको कैलकुलेट कर लेने, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 5 जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि 5 में आपने प्लस 1 भी कर देना है, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइंस में बिल्कुल ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने बेटा सिर्फ प्लस 1 नहीं सॉरी करना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कैलकुलेट करनी है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल जो हैं वो 5 बनेगी। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है बेटा वो 7 बनेगी। ये बहुत आसान है, सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस को कैलकुलेट कर लेना है। अगर इसको इस तरह से ब्रेक कर दें तो फिर आपके पास ये मेथड आ जाएगा। ओके, अब आते हैं जी नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट देखें, देखने से आपको थोड़ा सा ये बड़ी अजीब सी डायग्राम लग रही है कि किस तरह से नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बड़े आसान ये मेथड हैं, ट्रिक्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगी कि ये जो ट्राइंगल बनी हुई है ये इसके बड़ी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके बनी हुई है। ये इसमें कंडीशन है कि उसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइंट करके बनी हुई है तो फिर आपने किस तरह से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करनी है। 1 1 1, टोटल देखें ये 4 हैं, तो आप इसको 4 प्लस 1 कर दो, प्लस 1 आपने इसमें कर देना है,
और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन गई, 5 बन गई। क्लियर है? या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल है जो कि उसके मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके बनी हुई है, तो क्योंकि एक ट्राइंगल अंदर बनी हुई है तो आप 4+1 कर दो। अगर दो ट्राइंगल बनी हुई है तो 4+4+1 कर दो। ठीक है, जितनी ट्राइंगल अंदर बनती जा रही हैं उसकी वैल्यू आप 4 कंसीडर कर लें। ठीक है, और एंड पे +1 लाजमी कर लें। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, बड़ी ट्राइंगल के अंदर दो छोटी ट्राइंगल हैं, एक 1 और 2, ये दो ट्राइंगल हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4+4+1, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगी 9 बेटा। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पर आप देखें, बड़ी ट्राइंगल के अंदर 1, 2 एंड 3, 3 जो है वो स्मॉल ट्राइंगल है, और हर जो स्मॉल ट्राइंगल है वो बड़ी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके बन रही है। ऐसे ही है, जैसे ये वाली जो ट्राइंगल है वो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके बन रही है, ये वाली जो ट्राइंगल है वो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके बन रही है, और ये वाली जो ट्राइंगल है वो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके बन रही है। अब देखें, अब ये 3 ट्राइंगल्स हैं तो याद आएगा 4+4+4+1, 3 ट्राइंगल्स थी ना, तो 12+1 13, ये टोटल जो है वो 13 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी। समझ रहे हैं बात आप, साथ साथ हैं? अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप पर। जिस तरह से ये है, ये भी इसी से ही जो है वो इसी टाइप का ट्राइंगल है। जैसे ये वाली जो सेकेंड टाइप है, अगर ये ना हो, यानी कि ये वाली अगर ना बनाई हो, तो देखें वही वाली ट्राइंगल बन रही है, इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं अंदर, तो 4+4+1, यानी कि टोटल इसमें जो ट्राइंगल बनेगी वो 9 बनेगी। लेकिन इसको फर्दर अगर वो इस तरह से ज्वाइंट कर दे कि ये वाले जो पॉइंट हैं उसको मजीद ये वर्टिसेस के साथ मिला दे इस तरह से, तो अब कितनी ट्राइंगल्स बनेगी? अब 9 तो पहले बन रही हैं, 4+4+1, 9 तो पहले बन रही हैं। उसके बाद ये देखें, ये जब ज्वाइंट हुआ तो ये 1+1 फिर 1+1 फिर 1+1, ओके। तो अब आपने इसमें 9+2+2+2 करना है, यानी कि 9+6 6 15, 15 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे। जैसे 1+1 2 1+1 2 1+1 2, तो 9+6 जो है टोटल जो ट्राइंगल्स यहाँ पर बनेंगी वो 15 बनेगी। क्लियर है? बड़ा ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, एंटी टेस्ट हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पक्का कर लें, इसको याद कर लें। अच्छा जी, अब आते हैं, ये दोनों डायग्राम तकरीबन सिमिलर हैं, ये छोटी डायग्राम है, ये बड़ी इससे बनाई है डायग्राम। अब यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपने बनानी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको छोटा सा ये टेबल जो है वो याद करना पड़ेगा। इस टेबल की जो नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे आ रही हैं, इस बैच में भी आप ना जाएं, सिर्फ आप ये याद रख लें कि अगर वन साइड हो, ठीक है, वन है ट्राइंगल, उसकी वन साइड है तो 1 ट्राइंगल होगी, अगर 2 है तो 5 होंगी, 3 है तो 13 होगी। अब 3 है तो 13 किस तरह से बन रही है? जैसे ये ट्राइंगल है, इसके अंदर 1, 1 और 1, जो बेस के साथ ट्राइंगल बन रही है वो 3 है। इसी तरह 1 और 1, इधर भी 3 ट्राइंगल, और इसी तरह ये भी बेस के साथ 3 ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 3 है, यानी कि बेस के साथ जो ट्राइंगल बन रही हैं वो होता है बेसिकली एन। यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी 13, ओके बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी 13, ओके। अब यहाँ पर आप देखें तो चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पर देखें तो 6 जो है वो बेस के साथ ट्राइंगल बन रही हैं, इसमें हर साइड पर इक्वल होंगे ट्राइंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, ये वाला कैलकुलेट करें तो हर साइड पर, तीनों साइड्स पर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो सेम है, 6 है, यहाँ पर n की वैल्यू 6 है। तो इस तरह से इसकी जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगी बेटा वो बनेगी 78, ओके। तो इस तरह से ये वीडियो जो है वो हमारी कंप्लीट होती है, बड़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है,
बड़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जो कि आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसको देखिएगा बेटा, ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो ये देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें जी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।